हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो देखिए, हमारे घर में आज चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है क्योंकि लाइट भी नहीं है और मौसम भी मतलब बादल पूरे चारों तरफ से छाए हुए हैं। बादल तो छाए हुए हैं, साथ में बारिश भी हो रही है। आप लोगों को मैं थोड़ा दिखला देती हूँ क्योंकि जस्ट अभी बारिश चालू। तो यहाँ देखिए, पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है, बूंदा बूंदी गिर रही है। और आप लोग देख ही रहे हैं कैसा है मौसम। मौसम तो बहुत सुंदर हो गया फ्रेंड, क्योंकि गर्मी से हम लोग बहुत बेहाल हो चुके थे। हम लोग क्या, पशु पक्षी जो भी थे सब एकदम परेशान हो गए थे और सब विनती कर रहे थे कि अब बारिश हो। और किसान सब बहुत खुश हो रहे हैं कि बारिश चालू हो गई है। और आज इतना बारिश हो रही है कि मन एकदम ताज़ा ताज़ा लग रहा है। और चलिए, मुझे कुछ सामान पैकिंग करनी है और मैंने कुछ पैकिंग की भी है अपने। हाँ तो फ्रेंड, यहाँ देखिए, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं गुजरात और वहाँ मेरी ननद भी रहती है। तो ये ननद को देने के लिए देखिए, यहाँ ये दाल की बर्री है और ये मैं दिखाती हूँ, ये आलू की बर्री है और ये चावल की है। इसे तेल में छानने पर कुरकुरे इसके बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इसी में देखिए फ्रेंड, ये तीसी की है जो हम लोग कहाँ गया, और आप लोगों को देखिए हमारे खेत बाड़ी में जो लहसुन होते हैं वो थोड़ा सा मैंने दे दी है। तो हमारे गांव से हम देहात से कुछ तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन यही सब जो हम लोग बनाते हैं अपना सीजन में, तो यही सब उनके लिए अभी दे रहे हैं और आप लोग देख ही रहे हैं। तो फ्रेंड, मुझे अपने हस्बैंड के सामान भी पैक करने हैं। तो इतना सब हो जाने के बाद अब हस्बैंड के सामान पैक करूंगी और उन्हें उनकी विदाई करूंगी, टाटा बाय बोलूंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग, अच्छे होंगे यही मैं दुआ करती हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं कुछ आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि सास बहू के झगड़े किस तरह होती है। तो मैं अभी जा रही हूँ माँ जी को गुस्सा दिलाने के लिए और माँ जी मेरी अपने बेटे के लिए। यहाँ देखिए कितने आराम से सो रही हूँ उनके बेटे, और उनके लिए कुछ स्पेशल खाना बना रही है। और मैं उन्हें बार बार टोक रही हूँ कि माँ जी अभी बहुत समय है, लेकिन वो चाह रही है कि आज मेरा बेटा आज भर रहने वाला है, कल तो वो चला जाएगा, परदेसी हो जाएगा, तो मैं उसके लिए क्या क्या बनाऊँ। तो अब मैं चलती हूँ माँ जी को गुस्सा दिलाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग भी देखिए माँ जी क्या रिएक्ट करती है, मैं उन्हें गुस्सा दिलाती हूँ तो क्या बोलती है, आप लोग भी सुनिए। और आज का मौसम आप लोग देख ही रहे हैं, इधर पूरा बारिश हो रही है। यहाँ देखिए बारिश हो रही है, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, पूरा एकदम भीगा भीगा आंगन है। और भगवान किसानों पर खुश हैं, किसान सब बहुत खुश हैं। और चलिए थोड़ा माँ जी से मिलते हैं और उन्हें थोड़ा गुस्सा दिलाया जाता है कि माँ जी क्या करने वाली है। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि माँ जी का रिएक्शन कैसा होता है उनके बेटे के बारे में। थोड़ा मैं कुछ उल्टा पुल्टा बोलूँगी और वो क्या रिप्लाई करती है। तो चलिए दोस्तों, माँ जी का राम मड़ी। यहाँ देखिए बारिश हो रही है, जल्दी। हाँ तो माँ जी क्या कर रहे हैं, पूरा धुआं धुआं करके रख दिए हैं, ये झोपड़ी पूरा आपका धुआं से भरा हुआ है, क्या बना रहे हैं? हाँ, क्या बन रहा है आपका बेटा के लिए, रो रहे हैं? यहाँ देखिए क्या बना रहे हैं, दिखाइए तो उसमें क्या है। देखिए माँ जी क्या दिखा रही है, क्या बना रहे हैं, यहाँ देखते हैं फ्रेंड थोड़ा पास जाकर। तो ये देखिए पुआ की, हमारे यहाँ लोर बोला जाता है, वो घोल बना के रखी है और ये पुआ बनाएगी अपने बेटे के लिए।
मेरे बेटे के लिए आप बनाते हैं ऐसा? हाँ बनाए हैं, मेरा बड़ा वाला बेटा आता है तो बना के दिए एक बार भी पुआ? हाँ दिए थे, तो पूजा किए तब ना दिए। और अपना बेटा के लिए एक बजे दिन से ही लगे हुए हैं, पूरा धुआं, ये देखिए ये पूरे धुआं में एकदम मर रहे हैं। मेरा बेटा के लिए नहीं सोचते हैं आप? और अपना बेटा के लिए देखिए तो कितना परिश्रम कर रहे हैं। का बना के खिलाएं? और बस हाँ, ऐसा खाना मिलता था, ऐसा खाना देते थे। का हो जाएंगे? हाँ तो फ्रेंड देखिए, यहाँ माँ जी बोल रहे पका पका कर ले, यानी बड़बड़ बड़बड़ करते हैं, बोलते हैं ऐसा। देखिए कढ़ाई में तेल डाल रही है, बोल रही है अपना बेटा के लिए इतना कर रही है और मेरा बेटा के लिए तो नहीं की, तो मैं तो बोलूँगी ना फ्रेंड। तो यहाँ देखिए बोल रही कि तुम्हारे बेटा के लिए मैं दाल भात बना देती थी, छेना फाड़ के दे देते थे, मतलब छेना, हाँ ये सब पूरा जोड़ा रही है, देख लीजिए। और अपना बेटा के लिए ये देखिए कितना सुंदर सा एकदम स्पेशल खाना बन रहा है। तो आप लोग देख ही रहे हैं इस झोपड़ी में, जो अभी बाहर बारिश हो रही है, यहाँ तो माँ जी झोपड़ी में ही बना रही है, क्योंकि नीचे पूरा पक्का है, तो ये गाय के गोबर की सिक्की से तो नहीं बना पाएंगे। लेकिन गैस भी है, लेकिन माँ जी मेरी गैस का इस्तेमाल नहीं करने देती है, बोलती है नहीं ये क्या होगा, तुम नहीं करोगी तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। फ्रेंड ज़्यादा इस सिकड़ी का उपयोग माँ जी ही करती है, मैं ज़्यादा गैस चूल्हा का ही उपयोग करती हूँ। और गांव में है तो इसे इस ईंधन को सधाना ज़रूरी है। आप लोग हाँ तो फ्रेंड आप लोग बताइए कि माँ जी का मेरे प्रति रिएक्शन कैसा रहा, क्योंकि माँ जी को सोच कर ही आई थी कि माँ जी को आज थोड़ा गुस्सा दिलाया जाए, और वो क्या बोलती है अपनी बहू को और आप लोगों को मैं दिखलाना चाहती हूँ। तो मेरी माँ जी झंझनाती नहीं है, लेकिन बोलती भी है, कभी कभी ऐसा बोल देती है कि मुझे रोना आ जाता है। तो फ्रेंड अभी तो यहाँ पूरा धुआं धुआं हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं कितना सारा मेरे पास बैठी है, मेरा तो दम खुलने लगता है। माँ जी लेकिन संभाल लेती है अपने आप को। तो चलिए अभी हस्बैंड का पेट रेड करना है, लेकिन हुआ पहले माँ जी जो बना रही है उन कामों में हेल्प करवा देते हैं, नहीं तो बहुत परेशानी होगी। अभी तो पुआ बन रहा है, उसके बाद पूड़ी बनेगा, तब इनके प्यारे दुलारे बेटे खाएंगे। अभी तो इनके बेटे से मिलकर आए कि वो सो रहे हैं, तो फिर यही सब हो रहा है। और अब पुआ पूड़ी जब बन जाएंगे तब मैं जाऊंगी उनके सामान पैक करूंगी, और सामान पैक करने के बाद तब उसके बाद उन्हें टाटा बाय बोलूँगी। यहाँ देखिए माँ जी मेरी कटोरी में घोल को उठा ले रही है, और इस कढ़ाही में डाल दी, एक दाल भी दी है और पक भी रहा है अच्छी तरह से। आप लोग देख ही लीजिए माँ जी मेरी अपनी बेटे के लिए कितना मेहनत कर रही है, हम बहुओं के लिए कहाँ से इतना मेहनत करेगी। ऐसे तो मशहूर खाना हमारा लिट्टी चोखा है, लेकिन ये कच्ची और पक्की खाना हमारे तरफ कहलाता है। तो खाना में कच्ची लिट्टी चोखा हो गई और पक्की खाना हमारा हो गया फ्रेंड पुआ पूड़ी। तो वही पुआ पूड़ी माँ जी मेरी आज पक्की खाना बना रही है अपने बेटे के लिए, और आप लोग देख ही रहे हैं थोड़ा माँ जी का, देख लीजिए माँ जी किस तरह से सब व्यवस्था रखी है। और फिर यहाँ भी देखिए पूड़ी के लिए आटे को भी सान ली है, और उसके बाद हुआ। और अभी सब्जी का व्यवस्था करना है, सब्जी में देखिए क्या बनता है, आलू दम बनते हैं क्या बनते हैं, माँ जी अब बताएगी तो मैं सब्जी का इंतजाम करूँगी। फिर आप लोग देखिएगा।
हाँ तो फ्रेंड, यहाँ देखिए मेरे पुआ पूड़ी बनकर तैयार हो चुके हैं और ये माँ जी बनाई है। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए और बताइएगा माँ जी ने कैसा पुआ पूड़ी बनाई है, थोड़ा टेस्ट कर लिए। और हम लोग सब तो जा ही रहे हैं खाने के लिए, तो फ्रेंड आप लोग बताइएगा कि मेरी माँ जी के प्रति झगड़ा कैसा रहा और माँ जी का पुआ पूड़ी कैसा रहा, सब कमेंट में लिखिएगा। और अब मैं चलती हूँ, थैंक यू, टेक केयर, बाय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आप लोग तब तक इंतज़ार करिए, यहाँ सभी अपने अपने खाना ले रहे हैं।